सभी को। और हम एक नए ब्लॉग में आ गए हैं बहुत दिनों के बाद, ब्रेक के बाद, समझ लीजिए लॉन्ग ब्रेक के बाद। तो गाइस ऐसा है कि मेरे दोस्त छोटे भाई जैसा जो अमित है, उसकी है शादी, और आज उसके यहाँ क्या है, मंडप की पूजा है। मंडप की पूजा आज हो जाएगी और कल होगी शादी। तो गाइस चलेंगे अभी थोड़ी देर में, मिलेंगे अमित से। इसी बहाने क्या मेरे अपने बैचमेट्स जो हैं बीटेक के, एमटेक के कुछ कुछ दोस्त आ रहे हैं खास, उनसे भी मिलवाएंगे। तो चलिए ब्लॉग को करते हैं स्टार्ट और मिलते हैं अमित के यहाँ मंडप में। तो दोस्तों आज दिन पहला दिन है और ये हो रही है मंडप की पूजा। तो हमारे यहाँ क्या है, गाँव में जैसे होता था ना कि मंडप की पूजा में वो बांस गढ़ता है, तो क्या अब तो यहाँ पे शहरों में ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है दोस्तों। तो चार छोटी छोटी बांस की डंडियाँ ले आए थे और वो एक जो जिसमें वो सोगा और सोहगैला बोलते हैं ना गाइस हम लोग के गांव में, तो वो इस जो टिन शेड का आपको छोटा सा बना हुआ ना, इसमें सैंड और वो सब डाल के रखा और इसी में वो मंडप की पूजा की तैयारी हो रही है। और ये हमारे पंडित जी आ गए हैं जो कि पूजा वूजा करवाना शुरू कर दिए हैं। तो बस दोस्तों फटाफट हो रही है पूजा और इसके बाद है अमित की मेहंदी का प्रोग्राम। तो ब्लॉग में बने रहिएगा, देखेंगे मेहंदी का भी थोड़ा सा और ढेर सारा चीज दिखाते हैं आपको। तो भाई अमित का क्या हाल हो रहा है, बने रहिए, मैं मिलता रहूंगा आपसे। गाने की कुछ लाइनें सुनाते अमित के फूफा जी, और जो जैसा पंडित जी बता रहे हैं ना वैसा लगाने की कोशिश कर रहे हैं और वो आ गई हमारी बांस की डंडियाँ जैसे जो मंडप में यूज़ होती थी गाइस। तो बस यही तैयारी चल रही है, इसके बाद होगा मेहंदी का कार्यक्रम। ये अमित के घर पे हैं बिल्लियाँ, जो अमित तीन चार बिल्लियाँ हैं, और ये रही चांदनी रात। तो मस्त चांदनी रात में चांद खिला हुआ है, अमित का चेहरा भी खिल गया है फाइनली। मजाक कह रहा हूँ गाइस। तो क्या है, मेरी का कार्यक्रम हो गया था, अब रेडी संगीत चल रहा है। तो चलिए टू बी कंटिन्यूड, मिलेंगे कल में।